हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेसिव सेक्टर से एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक, मुरुगप्पा ग्रुप का ये स्टॉक है। इसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या प्लान्स हैं और प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। साथ ही साथ फिबोनाची लगा के देखेंगे इनके चार्ट पे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए शेयर का क्या टारगेट रह सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, इनके बिजनेस आप देखेंगे, फोर तरीके के सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, फोर सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है। एब्रेसिव्स, इलेक्ट्रो मिनरल्स, इंडस्ट्रियल सेरामिक्स, सुपर रिफ्रैक्टरीज। तो आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, कार्बोरंडम 1954 में ये कंपनी फाउंड की थी मुरुगप्पा ग्रुप ने, और ये कोलैबोरेशन है कार्बोरंडम कंपनी यूएसए एंड द यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी लिमिटेड यूके, इन दोनों का कोलैबोरेशन होते हुए, इस ग्रुप का और इन सबका कोलैबोरेशन होते हुए ये क्यूमी जो है कार्बोरंडम बनी है ये कंपनी। The company pioneered the manufacture of coated abrasives and bonded abrasives in India, in addition to manufacture of super refractories, electro minerals, industrial ceramics and ceramic fibers. Today the company range of over 20,000 different varieties of abrasives, refractory product and electro minerals are manufactured in 10 locations across various part of the country. बेहतरीन कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आ भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, जिस तरीके से मार्केट में न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी डिमांड आ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड इनके ये प्रोडक्ट्स हैं, एब्रेसिव्स, इंडस्ट्रियल सेरामिक्स, सुपर रिफ्रैक्टरीज एंड इलेक्ट्रो मिनरल्स। सो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट इनके, और मार्केट में इस समय डिमांड भी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, कंस्ट्रक्शंस को लेके, तो कंपनी के प्रोडक्ट से भी डिमांड इस समय आ रही है और अच्छी खासी डिमांड इस समय इनके प्रोडक्ट्स जनरेट करते हुए देख रहे हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से आते हुए आप देखेंगे। 6 decades हो गए कंपनी को इस बिजनेस में, 1000 से ज्यादा इनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, 40 से ज्यादा प्रेजेंस है कंट्रीज में, 40 कंट्रीज से ज्यादा इनकी प्रेजेंस है, ओवर 1 lakh हैप्पी क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास में, सर्टिफाइड हैं एंड R&D सेंटर्स भी कंपनी के पास में मौजूद है। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आ रही है और आने वाले टाइम में इनकी परफॉर्मेंस और सुधरेगी। ये इनकी ब्रांड्स हैं फास्ट कट, क्यूमी फ्लैक्स, हम देखेंगे स्पीड, ये सारी की सारी इनकी ब्रांड है, क्यूमी फ्लैक्स, स्पीड, फास्टेस्ट, एजेक्स, इस तरीके के कंपनी के इन ब्रांड से प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, मार्केट में मिल रहे हैं। अच्छी खासी पकड़ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स पे बना रखी है, क्योंकि ज्यादा कंपनी है नहीं है एब्रेसिव्स के माल, एब्रेसिव्स के काम में इंडिया के अंदर जो हाई क्वालिटी वाली जो कंपनी है, जो रेपुटेड कंपनी है, वो ज्यादा कंपनी है नहीं। कार्बोरंडम है, साथ के साथ ग्रैनवेल नॉर्टन है एंड वेंडेट के भी आते हैं, तो और अच्छी खासी कंपनी कोई और है नहीं है, तो इनके माल अच्छा खासा बिकता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अभी ये इनका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है, इसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, कंसोलिडेटेड सेल्स जो है 1% अप हुई है एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% पूरा फुल ईयर का इस समय जो है इंक्रीज हुआ है इनका, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन काफी कंस्ट्रक्शन धीमे पड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। कंसोलिडेटेड सेगमेंटल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, एब्रेसिव्स से इनको परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और साथ के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 134 इंक्रीज हुआ है 113 से, तो इसमें भी थोड़ा इनको परफॉर्मेंस सही खासी अच्छी खासी देखने को मिली है। साथ के साथ आप देखेंगे इलेक्ट्रो मिनरल्स से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है, लास्ट ईयर इनका 1026 का था और अब इस बार 1064 का कंसोलिडेशन रेवेन्यू आया है। एंड सेरेमिक्स से आप देखेंगे, इसमें भी थोड़ा इसमें मार्जिन डिक्लाइंड मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी इनका प्रोडक्ट बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने 1.5 रुपए का दिया है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मार्केट में आगे कंस्ट्रक्शन होना है और जिस तरीके से गवर्नमेंट के भी काफी प्रोजेक्ट हैं,
कंस्ट्रक्शन को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में दिखेगी, क्योंकि काफी कंट्रीज अपने, काफी जो कंपनी है वो अपने सेटअप लगा रहे हैं और न्यू सेटअप लगाने के लिए इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है कटिंग के लिए। कटिंग ब्लेड्स बनाते हैं, ग्राइंडिंग ब्लेड्स बनाते हैं, सेरामिक्स बना रहे हैं, तो उस तरीके से इनके भी प्रोडक्ट में आगे डिमांड देखने को मिलेगी। थोड़ा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे चार्ट, क्योंकि ज्यादा फंडामेंटली इनकी कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है नहीं है जिसमें कि हम इनके आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में समझा पाए आपको, लेकिन हम आपको चार्ट के थ्रू कंपनी के एनालिसिस करेंगे कि चार्ट पे कंपनी का जो शेयर है आगे कितना और बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बुलिश ट्रेंड में है या नहीं, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे और एक टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का चार्ट है, ये शेयर का चार्ट आप देखेंगे, 2000 में ये शेयर लॉन्च हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे शेयर ने 10,500% का रिटर्न दे दिया है 21 साल के अंदर, 10,500% का रिटर्न करीब करीब कंपनी ने दे दिया है, इस शेयर ने दे दिया है। 584 का इनका हाई था, जो शेयर ने आज ही उसको कट किया है, ब्रेकआउट देके इसने अभी ना न्यू हाई बनाया, एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। आप देखेंगे 0.52 की इनकी डिविडेंड यील्ड है एंड सेक्टर पी जो है उसके आसपास ही इनका भी पी रेशो चल रहा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, और इतनी परफॉर्मेंस अच्छी खासी आने के बावजूद भी शेयर अभी भी बाई किया जा सकता है। आप देखेंगे इसमें बेस प्राइस से शेयर करीब करीब 150% ऊपर चला गया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट और कंपनी में वैल्यू भी है, कंपनी वैल्यू बैंक प्रोडक्ट है इनके। आप देखेंगे ये वाला जो इनका जो ये टाइम जो गया है, ये वाला टर्म गया, आप देखेंगे बिल्कुल हायर फेज में गया, इन्होंने एक बार यहाँ हाई लगाया इस शेयर ने, यहाँ हाई लगाने के बाद फिर लो लगाया, फिर इसने एक अच्छी पकड़ पकड़ी और यहाँ फिर एक हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये यहाँ कंसोलिडेशन का फेस किया, फिर एक हाई लगाया, फिर इसने ये लो लगाया है, और फिर अपने इसने यहाँ ये हाई लगाने के बाद में फिर ये यहाँ इसने ये लो लगाया है और इस लो को इसने काट दिया है और इस वाले हाई को भी कट करके इसने बहुत अच्छी कैंडल्स ऊपर बनाई है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कितने महीने से अपने बुलिश रेंज में है। तो ये वाला जो इसका जो ये हाई है, इस वाले हाई को लेके चलेंगे, अभी लेटेस्ट वाले हाई की बजाय इस वाले हाई को हम लेके चलेंगे। पहले ये देखेंगे कि कंपनी के शेयर ने कितने महीने पहले अपने बुलिश ट्रेंड में ये चला गया। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला इसने ये जो लो लगाया है, एक एक महीने की एक एक कैंडल है ये, आप देखेंगे यहाँ पे करीब 7 महीने इसने अपना ये बियरिश ट्रेंड में गुजारा है, करीब करीब 7 महीने इसने ये बियरिश ट्रेंड में गुजारे हैं। और यहाँ ये इसने ये वाली ये डोजी जो बनाई है, इसको बनाने के बाद में इसने ये जो हैमर जो कैंडल बनाई है, ये हैमर के बाद में आप देखें, बिल्कुल हैमर देखो आप, ये वाला जो हैमर कैंडल जो इसने ये जो बनाई है, उसके बाद में आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, ये जो कैंडल देखो आप, क्या गजब की कैंडल बनी है, एक एक महीने की बेहतरीन कैंडल बनती हुई दिखी है। यहाँ पे इसने ये अपना लो लगाने के बाद में एक बार ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाने के बाद में इसने ये वाली जो कैंडल बनाई है, ये वाली जो डोजी बनाई है, इस डोजी के बाद में ये जो कैंडल बनाई है ग्रीन वाली, इसी से ही पता लग गया कि हाँ शेयर अब आगे ग्रीन अपने पॉजिटिव फेज में जा सकता है, और ये जा भी रहा है और ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा भी रहा है। तो देखें फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे करीब करीब ये शेयर 6 महीने से, करीब करीब ये शेयर 6 महीने से अपने बुलिश ट्रेंड में है, मतलब बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस शेयर इस समय दिखा रहा है और अपने हाईली बुलिश ट्रेंड में भी ये पहुंच गया है। तो ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, ये इससे पता लगाया जा सकता है और मैंने आपको बता भी दिया। और आगे ये शेयर आपको यहाँ से कम यहाँ से ये आपको शेयर 10,000 रुपए तक ये शेयर यहाँ से जाता हुआ आने वाले टाइम में दिखेगा, जिस तरीके से इसने ये परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं आपको बता दूं क्यों दिखेगा, ये एक बार मैं हटा देता हूँ, बुलिश ट्रेंड में आ गया है ये शेयर, ये वाला बेस में लेके चलूंगा और ये वाला इसका हाई में लगा के चलूंगा, जो इसने ये हाई जो आज ही बनाया है। आप देखेंगे ऊपर, मैं आपको ऊपर की रेंज दिखाता हूँ, क्योंकि ये अब इस रेंज को भी काटेगा, इस रेंज को जब ये काट देगा तो ये इस वाली रेंज में आएगा,
और इस वाली रेंज में जब ये आएगा और इस वाली रेंज में भी अगर ये इसको कट करेगा तो ये ऊपर वाली रेंज में जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर शेयर चलता रहता है और आप देखेंगे यहाँ ये कंसोलिडेशन दिखा भी सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये शेयर ऊपर भाग रहा है और इसने ये दो ग्रीन कैंडल जो बनाई है एक महीने के अंदर, तो ये शेयर यहाँ से आपको 900 रुपए से 1000 रुपए के बीच में ये शेयर आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर बड़े ही आराम से जा सकता है, जिस तरीके से आगे आने वाले टाइम में इनके जो प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरा तो ये जो टारगेट है, मेरा इनके लिए टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए 900 to 950 1000 रुपीज में ये शेयर टच कर सकता है 1 साल से 1.5 साल के अंदर। ये शेयर इतना परफॉर्मेंस बड़े ही आराम से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय 600 के समथिंग ये शेयर ट्रेड कर रहा है और यहां से ये शेयर आपको बड़े ही आराम से 60 से 70% के प्रॉफिट दे सकता है 1 साल के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर। तो फ्रेंड्स बुलिश रेंज में है शेयर, आपको लेना चाहिए और ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे भी दिखाएगा, आगे भी ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर में बुलिश रेंज है या नहीं, मैं शेयर का ये वाला टाइम लेके चलूंगा। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है ये वाला जो है 2021 में, जहाँ थोड़ा सा सर्टेनिटी आई थी, और यहाँ भी देखेंगे आप ये शॉर्ट टर्म में भी इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया है। ये जो हैमर बनाने के बाद में इसमें देखें अच्छी खासी चाल आई है, तो हैमर बनाने के बाद में चाल अच्छी खासी आ रही है और ये हैमर बनाए जा रहा है। और यहाँ पे मैं ये वाला एक फेज लेके चलूंगा, ये वाला जो फेज है यहाँ पे करीब करीब इसने 1 महीने को जा रहा है, ये एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की कैंडल है, यहाँ पे इसने करीब करीब 1 से 1.5 महीने को जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए इसने यहाँ पे ये बेस लेने के बाद में शेयर ऊपर गया 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर भी टिका नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये शेयर ने फिर दोबारा से नीचे अपने बियरिश ट्रेंड में भी आने की कोशिश की, लेकिन एक कैंडल बनाने के बाद में इसने फिर से बुलिश ट्रेंड में जाने की कोशिश किया और ये इसके बीच में थोड़े से टाइम तक ये घूमा है, लेकिन इसने यहाँ पे ये अपने बुलिश ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया है प्रीवियस वीक में, और इस वाले वीक में तो ये अपने बुलिश ट्रेंड में दोबारा से पूरा लौट ही गया है। फ्रेंड जब तक ये शेयर आपको 530 रुपए के नीचे और 530 रुपए के नीचे जब तक ये शेयर आपको दिखे नहीं जाता हुआ, जब तक ये अपने बुलिश ट्रेंड में है, अगर ये शेयर आपको यहाँ भी कंसोलिडेशन करता हुआ अगर दिखे तो आप इसको परचेज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो। ये शेयर आपको यहाँ से 700 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। ये शेयर यहाँ से अगर ये कैंडल अगर ग्रीन अगर अच्छी तरीके से अगर ये बनी, अभी तो हफ्ता पूरा बाकी है, तो ये शेयर यहाँ से और ऊपर की आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से इसने ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनाई है, आप देखेंगे इसने करीब करीब ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं, ये आप देखेंगे ना यहाँ पे इसने ये जो बॉटम बनाया है इस वाले का ब्रेकआउट इसने आज 2-3 दिन से ये दे दिया है। इसने ये वाली जो वीकली जो कैंडल बन रही है, जो इनके ऊपर बन रही है, इस वाले फेस के ऊपर बन रही है, ये काफी टाइम का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने दे दिया है। करीब करीब 1.5 से 2-3 महीने का ये ब्रेकआउट इसने दिया है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद में ये यहाँ नहीं टिकेगा, ये जाएगा जरूर ऊपर, और ये करीब करीब आपको 700 से 720-710 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये दिखा सकता है, जिस तरीके से इसमें बुलिशनेस बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 530 के ऊपर ही ये शेयर लगा रहे, ये शेयर अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म करता रहे। 530 के ऊपर जब तक है, जब तक ये अपने बुलिश ट्रेंड में है, बेझिझक आप इसको ले सकते हो। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आप बड़े ही आराम से इसको परचेज कर सकते हो। ये आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ से आने वाले टाइम में दिखा सकता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। जिस तरीके से फंडामेंटली शेयर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस आगे आने वाले टाइम में दिखाएंगे, शेयर उससे पहले ही परफॉर्मेंस अपनी दिखा चुका होगा, फंडामेंटल बाद में आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, इनकी जो फेस वैल्यू वो 1 है, 15 की ईपीएस है, 100 की बुक वैल्यू पर शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 611 रुपए के शेयर खान टारगेट दे रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल ही आ जाएंगे, इसके ऊपर भी शेयर निकलता हुआ आपको नजर आएगा शॉर्ट टर्म में ही। रेगुलर डिविडेंड पेयर कंपनी है, बोनस भी कंपनी ने 2005 में रिसेंटली दिया था 1:1 का प्रॉफिट आप देखें।
सस्टेनेबल प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव में नहीं गया है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट और ईपीएस कंपनी अच्छी खासी जनरेट कर रही है। डीआईआई के पास में 28% की होल्डिंग है, आप देख सकते हैं बेहतरीन होल्डिंग डीआईआई के पास में। 3 ही केवल शेयर हैं जो इसमें लिस्टेड हैं, और ये वाला जो शेयर है ये मार्केट लीडर शेयर है इसका, इस वाले मार्केट का ये लीडर शेयर है इस वाले सेगमेंट का। और आप देखेंगे इनके पास में डेप्ट इक्विटी रेशियो तो बिल्कुल नॉमिनल है, डेप्ट है नहीं। 14 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है, शेयर जनरेट कर रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स जरूर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में ये शेयर दे सकता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। थैंक यू।